हो अखा चढ़िया मुछा खड़िया मरकां दे नाल तुरदे हो, सूरज चढ़ते आ जांदे ते चन्न चढ़ के मुड़दे हो, कौन हुंदे आ नाल तेरे साथ जिन्ना बिन नी लैंदा वे। करन सलामा लोकी जाके हाथ पुड़े, कारा थारा रूपी कौना मरका आले जट पुड़े। हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग, मैं होप करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज के दिन आप लोग देख सकते हैं हमारा भाई रुद्र बहुत दिन बाद हमारे साथ में एकदम। और आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं रुद्र, आपको बताना चाहेगा। हमारे प्रिय मित्र, हमारे बड़े भाई, हमारे आने वाले सांगानेर के बड़े नेता, अच्छा सचिन भैया का जन्मदिन है, तो हम रात के 12 बजे अंकल के कार्यालय पे वहाँ जाके सचिन भैया का भव्य तरीके से बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। तो इसने बहुत ही नाजायज कोशिश करी है हिंदी बोलने की, मेरे को अच्छा लगा, लेकिन अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोले, अच्छा बोले, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों उसके बाद में भी हम लोग कहीं जाने वाले हैं, वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, वो है हमारी स्कूल की ट्रिप। हम लोग जा रहे हैं जैसलमेर और जोधपुर दोनों जगह पे, तो काफी एंजॉय करने वाले। तो सबसे पहले तो अपन लोग चलते हैं दर्शनीय घर पे, उसको पिक करते हैं, उसके बाद में सचिन भैया का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और फिर चलते हैं अपन लोग मेरे स्कूल सेंट जेवियर्स। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये है ऑल एक्सेस पास भारत जोड़ो यात्रा का। तो दोस्तों अभी मेरे पापा भारत जोड़ो यात्रा जाके आए हैं, तो उसकी भी मैं क्लिप्स अटैच कर दूंगा यहाँ पे साथ में। आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पापा ने कैसे जो है राहुल गांधी के साथ में कदम से कदम मिलाए हैं और बहुत ही अच्छे से प्रदर्शन किया है भारत जोड़ो यात्रा का। और अभी हम लोग जा रहे हैं जल्दी से दर्शन के घर पे, और बहुत तेजी से खींच रहा है गाड़ी हमारा भाई रुद्र, ये गलत ड्राइविंग करता है। इसके पापा अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इसके 2-4 जूत लगाइए। तो दोस्तों जैसा आप लोग देख सकते हैं, हम लोग आ गए हैं दर्शन के घर पे यहाँ पे, और यहाँ पे है दर्शन की छोटी बहन और ये है दर्शन की मम्मी धोग आंटी। कैसे आंटी आप? तो आंटी आप देख सकते हैं दर्शन जा रहे हैं ट्रिप पे, कैसा लग रहा है आपको? तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं दर्शिल भाई यहाँ पे क्या पहन के आ रहा है, एकदम बन के आ रहा है। ये जो है ट्रैकिंग करने जा रहा है, माउंट एवरेस्ट पे जा रहा है हमारा भाई दर्शिल। अरे खोलना मत, खोलना मत, सामान गिर जाएगा भाई, दर्शिल गिर जाएगा, बिल्कुल ध्यान से, बहुत ज्यादा पैक्ड है मामला। मैंने रखा है मैंने। चल अंदर बैठ जाओ, अंदर बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ। मैं बदमाशा की बदमाशी ने झाड़ता चला करूं, मेरे सिस्टम पे ना शक करिए, मैं सिस्टम पाड़ता चला करूं। जैसा आप लोग देख सकते हैं हमारा पिज्जा आ गया है और दोनों गाड़ियों के अंदर हम सब लोग बैठ गए हैं, और अब हम लोग थोड़ा पिज्जा विज्जा खाने के बाद में स्कूल चलेंगे। ये कुछ बोलना चाह रहा है रुद्र भाई, देखते क्या बोल रहा है। हाँ भाई रुद्र, क्या बात हो गई? स्कूल ले लो, स्कूल ले ले। चले भाइयों चलो। काल के मुंह में हाथ डाल ले, वे जिंदगी का टाइम खटा रे से, आंख पाड़ दे बैरी की और पूरी फिरकी। तो दोस्तों जैसा आप लोग देख सकते हैं, हम लोग आ गए सेंट जेवियर स्कूल के अंदर, और अब हम लोग बैठने वाले हैं बस के अंदर और जाएंगे हम लोग ट्रिप के लिए। मेरे सिस्टम पे ना शक करिए, मैं सिस्टम पाड़ता चला। और ऐसे ही नाचते गाते ये रात निकल गई, और आपको दिखाते हैं कि सुबह क्या हुआ। हमारे फर्स्ट स्टॉप पे ब्रेकफास्ट हो चुका है, बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट था। तो अभी हम सब आपको दिखाएंगे ड्रोन शॉट, और ये हमारा भाई दर्शिल। ये ड्रोन शॉट का आइडिया किसका है भाई? ये ड्रोन शॉट का आइडिया मेरा है, क्योंकि यार व्यूअर्स को भी अच्छा अच्छा व्यू मिलना चाहिए, उनको भी तो मिलना चाहिए बीच का। बिल्कुल तुमको अच्छा व्यू मिलना चाहिए, इसलिए मैं बना रहा हूँ जल्दी ड्रोन शॉट। तो दिखाते हैं आपको ड्रोन शॉट। नाम जिवें ट्रेंड नी, फेरी रखे करके गोडे ते बेंड नी, चक
लगने लगे ना पट्टू लाऊंदा बेंदनी पहलियां तो गप्परू करा। दोस्तों हमारा मित्र केशव सैनी जो है बहुत अमीर आदमी है, इसने हम सब लोगों को कुल्फी खिलाई है और बहुत सारा पैसा है इसके पास में। एक रुद्र ये जो अकेले अपनी मर्जी से कुल्फी लेके आए क्योंकि पहले कहीं घूम रहा था किसी के साथ में, हमारे साथ नहीं था किसी और के साथ में था, गलत आदमी है यार। इसके ट्रिप पे भी आके विचार अच्छे नहीं आके। अरे भाई अबे तुम मत भाई, ब्लॉग में घर वाले देखते तो हम क्या करते हैं, सच्चाई तो सच्चाई रहेगी, इसके विचार अच्छे नहीं है। टेंशन मतलब आपको थोड़ी देर में वो राज भी खुलेंगे किसके साथ घूमता है क्या कर रहा है सब पता चले आपको, हर चीज बताएंगे हर चीज। बाकी केशव थैंक यू यार, थैंक यू फॉर द आइसक्रीम। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे हम ये भीड़ भड़के में कहाँ घुस रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं। भाई बल्लू थोड़ा बताया, मुझे भी खुद भी नहीं पता है। तो बहुत मजा आ रहा है हमको, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है ना, इतना मजा आ रहा है कि मतलब मैं कह भी नहीं सकता, अगर मैं पानी में डूब जाऊँ तो भी इधर का कोई मुकाबला नहीं है। भाई चुप रहे, तेरे को मजा कितना मजा आ रहा है, डूब जा भाई। ज्यादा बहुत ज्यादा इतना ज्यादा मजा आ रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे आज हमारे मोइन भाई की शादी हो, बहुत मजा आ रहा है। तो दोस्तों के साथ में हंसी मजाक करते हुए इस प्राचीन जगह को भी हमने एंटरटेनिंग बना दिया और उसके बाद में हम लोग तुरंत ही भाग गए हमारे होटल के लिए और देखते हैं जरा हमारे होटल में जाके क्या हुआ। दोस्तों गर्मी में मरते मरते परेशान होते होते हम लोग आ गए फाइनली हमारे होटल। तो बाहर दिख रहे हैं यहाँ से, ची ची ची, वेरी बैड वेरी बैड। सुख रखे तो दोस्तों सारा खाना फिनिश करने के बाद में हम सब लोगों ने अपना अपना लगेज अपने रूम्स के अंदर रख दिया और जैसे हमने लगेज रखा उसके बाद तुरंत ही हम लोग रेडी होकर निकल गए एक और प्राचीन जगह को देखने के लिए। ये पुरानी पुरानी जगह मुझे तो थोड़ी कमी समझ आती है, इनमें थोड़ा कमी मजा आता है, लेकिन जब मेरे दोस्त वहाँ पर मेरे साथ मौजूद थे तो मुझे बहुत ज़्यादा मजा आया और आपको दिखाते हैं कि हम लोगों ने क्या मजे करे। तो दोस्तों जैसा आपने भी देखा हमने लंच किया था और लंच करने के बाद में अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। कहाँ पे आ गए हैं आपको बल्लू बताएगा, कहाँ गए भाई? भाई अपन आए हैं जसवंत थाटा। तो दोस्तों ऐसा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया ड्रोन का व्यू भी दिखा दिया और साथ में हमारा दोस्त एक और व्यू दिखा रहा है आपको। भाई ये क्या लेके घूम रहा है भाई तू, तूने जेंडर कब ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया भाई? हमारे शादी सर। सबसे अच्छा ग्रुप कौन सा जा रहा है? दिल्ली जानता है कितना मजा आ रहा है। आपका फेवरेट ग्रुप कौन सा है? सबसे वेल डिसिप्लिन्ड तेरा कौन सा? M4 गंदा है। दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं कहीं पे आ गए हैं और यहाँ पे वैसे तो बंद होने वाले हैं फोर्ट जो भी है ये, तो चलो देखते हैं खुलवाने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद। ये स्टूडेंट यूनियन जो है इनके पीछे पड़ेगा और इसे खुलवा के ही मानेगा। हम लोग अभी टाइम से बस 15 ही मिनट लेट हुए हैं, वैसे तो ज्यादा देर हुई नहीं है, है ना दर्शन भाई? यार दर्शन कौन सा वाला फोर्ट है ये? मेहरानगढ़ फोर्ट। अच्छा अच्छा मेहरानगढ़ फोर्ट, नाम नहीं याद नहीं, नाम यार साला समझ ही नहीं आते। हो गया सिस्टम करवा दिया, मैं हूं ना। हमारे स्टूडेंट यूनियन के कर्मचारी रुद्र ने एंटर करवा दिया। हाँ हमारे स्टूडेंट यूनियन के अंदर काफी सारे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, उनमें से एक है हमारा रुद्र कर्मचारी, उसने जो है एंट्री करा दी है सारे बच्चों की। अब सारे बच्चे लाइन से आएंगे और यहाँ से टिकट लेंगे। वैसे तो टिकट बूथ बंद हो गया था लेकिन हमारे स्टूडेंट यूनियन के कर्मचारी रुद्र ने जो है बहुत मेहनत करी है और यहाँ पे हमारी टिकट करवाई है। सर वैसे तो बहुत मुश्किल मामला था लेकिन अपन लोगों ने करवा दिया ना सर। यो अब आप लोगों को सर बताएंगे कि कैसे हुई एंट्री, क्या हुआ बताइए सर। कुछ नहीं, इधर हमारे जो गार्ड थे उन्होंने तो मना कर दिया था कि एंट्री बंद हो गई है। उसके बाद मैं गया मैंने करवा दिया। सर 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 सहयोग किन किन का लगा ये तो बताओ। सहयोग में एक गुंडा, ये रहा ना ये रहा। आई एम जन सेवक, आई एम गुड पर्सन, ही इज गुंडा। और निवेदन किया था अपन ने। हाँ चलो कोई नहीं, एंट्री हो गई ना, बस बात खत्म। बल्लू है हमारा गाइड। बल्लू क्या है ये? ये है इंग्लिश में, बोल इंग्लिश में। इंग्लिश में दिस इज योर मैरिज राइड। मैरिज राइड मतलब प्रतीत बोल रहे हम सही। सी दिस बाहर क्या लिखा है? हाथी का होदा लिखा हुआ है यार। हाथी होदा, हाथी का होदा। छोड़ो गाइड आपके बस की नहीं, आ जाओ। तो गाइस हाँ हम जा रहे हैं यहाँ से, हमारे को नहीं रहना, ध्यान नहीं रहना हमको, हमें ये गंदी चीजें यहाँ पे नहीं रहना। ये देखिए यहाँ पे कैसी कैसी अश्लील चीजें पड़ी है। ये क्या है बल्लू? व्हाट इज दिस? ये गलत चीज है बल्लू। बल्लू क्या है ये? बहुत ज्यादा गलत चीज है, बहुत ज्यादा गलत। मोइन बताओ ये कौन सी चीज? बहुत अश्लील चीज है ना। मोइन अच्छी चीज नहीं है ना। तो दोस्तों ये लड़का जो गंदी शक्ल में आ रहा है, ठीक है, ये ईश्वर परियानी आदर्श नगर का रहने वाला हमारे करेगा गाइड। गाइड ये हमारा गाइड है भाई। ईश्वर इधर आ, खींच के खींच के ला। बता ये क्या है? पैसे दिए सारे तेरे को? 9,500 रुपए दिए तेरे को। ये बल्लू, बल्लू की दीदी, बल्लू की कौन है ये? अरे तो फालतू ये मत बता, वो बता इसको इधर ही मार लूं।
अरे मत मार अरे गाइड को मत मार, पैसे दिए उसे भाई। वो क्या है बता दे बस, फिर छोड़ देंगे। वो क्या है बता? मोहिन की डोली। जब मोहिन उमेश भवन में निकाह करके जाएगा घर पे, तो उसकी डोली इसमें जाएगी। भाइयों मुझे लगता है हमें यहाँ पे रहना ही नहीं चाहिए यार। पूछो क्यों? ये सामने क्या देखो, ये अश्लील चीज क्या है भाई? ये अश्लील चीज क्या है? ये गंदी सी चीज है ये। क्या तू इसे अच्छा मानता है? ये सामने हुक्का पड़ा है, अच्छा मानता है क्या तू? भाई ये चीज आजकल के टीनेजर्स को बर्बाद कर देती है। जैसे कि ये बर्बाद हो रखा है, तू बर्बाद हो गया ना मेरे भाई। भाई कोई बर्बाद नहीं है, तू बर्बाद हो रखा है, तू बर्बाद हो चुका है। संगति में कौन होगा बर्बाद मालिक? लोग दिन में 6-7 घंटे पढ़ाई में बिताते हैं। ये 6-7 घंटे जो है ना, ये अश्लील चीज में बिताता है। ये बिगड़ गया है ये। दोस्तों बंसी भैया क्या कर रहे हैं? बंसी भैया अभी तक अंग्रेज नहीं। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो गया है, हमारी बस छूट गई है क्योंकि हमारा दोस्त मोइन थोड़ा सा बिजी हो गया था कोई लड़कियों से बातें करने में, इस चक्कर में हमारी बस छूट गई। भाइयों मोइन के चक्कर में हमारी बस छूट गई ना यार। अरे मोइन बहुत चोर है, मोइन चोर, मोइन यहाँ पे। हाँ तो मोइन लड़कियों से बात करने लग गया, हमने सोचा साले को छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। वो वहीं पे रह गया और हम लोग यहाँ नीचे आए, तो बस तो निकल गई। और अब हम जिम्मेदार नहीं है मोइन के। अब अपना क्या होगा बताओ बस। अरे अपन तो बस ढूंढ लेंगे, बस जब मिल जाएगी ना तो आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों अभी किधर बस है वो अपन कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की, चलते रहो अभी तो चलते रहो यार। दोस्तों ये जो रोड है ना, ये मुझे थोड़ी नई सी लग रही है। मतलब ये वाला रास्ता तो पता ही नहीं कहाँ पहुंच गया मैं। मतलब ये रास्ता आया थोड़ी बहरी, मंदिर वंदिर आए थे रास्ते में। हम खो चुके हैं जोधपुर में, हमारा कुछ ज्यादा पता नहीं है। रोडों पे चल रहे कुत्तों की तरह हमारे बस वालों को ढूंढ रहे हैं, बहुत खराब मैनेजमेंट है। जय महादेव, भगवान हमारी सहायता करो, हमें सही रास्ते पे लेके जाना। बिल्कुल भाई, यहाँ पे एक फोटो खिंचाओ थंबनेल और डालेंगे लॉस्ट इन जोधपुर। तुम पागल हो चुके हो, तुम कहीं भी जा रहे हो मैं कह रहा हूँ। कैब कर लो, कैब। अबे यार ऐसे अंजान देश में किस पे। अरे तुम्हें अपने नाम पता है, होटल का नाम पता है? नहीं पता है यार, होटल का। अबे होटल का नाम क्या था? दोस्तों हम लोग वहाँ से चलना चालू हुए थे, हम लोग इतना नीचे तक आ गए हैं, हम सारे भाई लोग सिर्फ नहीं पीछे, अपने पीछे कम से कम भी 50 जने पीछे जो बस छोड़ के चली गई। दोस्तों रास्ते में हमने हमारी बस पकड़ ली है, रास्ते में हम बस में घुस रहे हैं। अरे रोको, अरे घुसो। बल्लू भाई कैसा लग रहा है बस में वापस चढ़ के? बहुत ही मजा आ रहा है यार, दर्शन इधर है यार। मेरे को एक चीज समझ नहीं आई कि सारे गलत काम अपने साथ ही क्यों होते हैं। जब ट्रिप पे दो कितने बच्चे हैं ट्रिप पे? 125 बच्चे हैं, 150 प्लस है, तो फिर सिर्फ अपन 5-6 बच्चे क्यों घूमे? ये बता मेरे को। अपना शीरीष नहीं था, शीरीष अगर तुम हमारे साथ होता ना तो हम घूम नहीं होते। तो दोस्तों अभी हम लोग बस पहुंचे ही थे होटल में, हमने थोड़ा चेंज वगैरह किया था, उतने में हमारे पास एक कॉल आया हमारे एक सब्सक्राइबर से कि भैया आप लोग जोधपुर आए हो तो मेरे से जरूर मिलो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उससे मिलने के लिए और उससे मिलते हैं और आपको भी उससे मिलवाते हैं। ओ पीछे पीछे तोड़ती आ फेम आज कल आउंदा है सतारा विच नेम आज कल तेरे करके गाने साडे नहीं चलते लंडू लो। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे सब्सक्राइबर यहीं से जोधपुर से, तो कैसा लग रहा है आपको आज मिल गया? अच्छा लग रहा है भाई, आप भी कभी आओ ना तो कार्तिक भाई से जरूर मिलना। दोस्तों अब हम लोग हमारे सब्सक्राइबर से तो मिले हैं और अब हम लोग कर रहे हैं डीजे पार्टी, तो चलो अंदर चलते हैं पार्टी के। तो दोस्तों ऐसा आप लोग देख सकते हैं मस्त एकदम हम लोगों ने जो है बिल्कुल डांस किया और अब हम लोग बढ़िया खाना खा के बैठे हैं। तो दोस्तों जैसा आप लोग देख सकते हैं कि हमने खाना वाना खा लिया, डीजे पार्टी भी कर लिया, अब हम लोग सो रहे हैं। रुद्र मेरोरी तो सो गया है, रुद्र 2 यहाँ पे जगा हुआ बैठा हुआ है, क्या कर रहा है भाई? नींद नहीं आ रही इसको। वैसे तो अभी रात के 2:30 बज रहे हैं,
लेकिन इस मोटे को 3 बज गए, 3:06 अच्छा क्या 3:06 हो रहे हैं, वाह यार, और इस मोटे को अभी तक नींद नहीं आ रही है। चलो कोई नहीं, मैं तो सो जाता हूँ, 3 घंटे और बचे हैं तो जाना है। हाँ तो 3 घंटे की नींद ले रहा हूँ मैं, ठीक है गाइस मैं जल्दी से सो जाता हूँ। बाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग, मैं होप करता हूँ बढ़िया होंगे। आप लोग देख सकते हैं हम लोग बैठे हैं अभी डाइनिंग हॉल के अंदर हमारे भाई पारीक के साथ में। पारीक की तरह ये सुबह सुबह उठ के कैसा लग रहा है तेरे को? बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही फ्रेश फील हो रहा है तेरे को? बिल्कुल, तो एकदम टाइम पे सो गया था ना कल रात को? दोस्तों मैं तो 3 बजे सोया था और ये मैं ना पहले ही सो गया था, और इसमें एकदम समझदारी की बात पता है क्या थी, ये जाके दूसरे रूम में सो गया था क्योंकि इसे पता था कि हम लोग सोने नहीं देंगे। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये जो बच्चे शोर मचा रहे हैं इसके अंदर हमारे ग्रुप में भी कौन कौन बैठा हुआ है और कौन कौन क्या क्या खा रहा है। तो दोस्तों बढ़िया एकदम खाना पीना करने के बाद में हम लोग निकल गए थे जैसलमेर के लिए, तो चलो आपसे मिलते हैं सीधा जैसलमेर की बस में बैठकर। हो अखा चढ़िया मुच्छा खड़िया मड़का दे नाल तुरदे हो, सूरज चढ़ते आ जांदे ते चन्न चढ़ के मुड़दे हो, कौन हुंदे आ नाल तेरे साथ जिन्ना बिन नी लैंदा वे, वेख के गड्डियां वड्डियां वड्डियां मेरियां टर्न फ्रेंडा वे, ओ यार बिठा के टायर पवा के फ्यूल फूकदा रहंदा वे, वेख के गड्डियां वड्डियां वड्डियां मेरियां टर्न फ्रेंडा वे, ओ यार बिठा के टायर पवा के फ्यूल फूकदा रहंदा वे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग बस से उतर गए और आ चुके हैं हम लोग सैंड ड्यून्स पे, और दर्शन भाई का चश्मा यूं हो रखा है टेढ़ा मेढ़ा, दर्शन जो है हक्का बक्का रह गया रेत को देख के, दर्शन को बहुत मजा आ रहा है, हमें मजा आ रहा है नहीं आ रहा, मजा तो आ रहा है थक गए यार। यार हमने पहले अपने ब्लॉग्स के अंदर कभी ऐसे सैंड्स वगैरह दिखाई है? कभी कभी नहीं दिखाई, आज तक मिट्टी नहीं दिखाई, बर्फ तो दिखा चुके यार, बर्फ भी चाहिए, 50 रुपए किलो मिट्टी है, कॉन्टेक्ट करें हमसे। हाँ भाई हम भर के लेके आ रहे हैं यहाँ होटल के अंदर, 50 रुपए किलो है मिट्टी, ठीक है आपको चाहिए तो बता देना बल्ली सिंह को। तो दोस्तों अब रात हो चुकी है, हमने बहुत फन किया है यहाँ पे सैंड ड्यून से, बहुत मजा आया, और अब हम लोग जा रहे हैं फिर से हमारे होटल। और भाई मेरे भाई बल्लू ये बता मेरे को क्या मजा आया आज तेरे को? भाई भाई बढ़िया मजा आ गया, जैसा आपने अभी भी देखा कि डांस करने के बाद में बढ़िया एकदम नारेबाजी करते करते हम लोग थक गए और हम लोग कमरे में जाके सो गए। अब आपको दिखाते हैं कि दूसरे दिन सुबह सुबह क्या हुआ। यहाँ पे एकदम बढ़िया एकदम टेंट्स दिए हुए हैं जितने बच्चे उनको, यहाँ पे अपना गुंडा बैठा हुआ है बढ़िया रिलैक्स कर रहा है, और बढ़िया प्रकार के टेंट्स दिए हुए हैं, एकदम लग्जरी टेंट्स दिए हुए हैं, सबसे ज्यादा लग्जरी टेंट्स तो यही वाले हैं जिसमें अपन लोग रुके हुए हैं, सबसे बेस्ट टेंट्स है यहाँ के। सनू पैड़ी लगदी 1.5 करोड़ दा किला नी, शहर मोहाली कोठी पाली गेड़ा सेक्टर 8 11 12। तो दोस्तों दिस इज डे 3 इन आवर टूर, और आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया मौसम हो रखा है यहाँ पे, एकदम धूप हो रही है बहुत तेजी से, और हम लोग जा रहे हैं सफारी करने थार में बैठ के। तो आप लोगों को दिखाते हैं हमारा थार का काफिला। करने वाले पैरा सेलिंग हमारे भाई, क्या एक्साइटेड हो तुम लोग पैरा सेलिंग करने के लिए? हो डाइट तेरी का राज बता, क्यों मारा खून उबाला रे, पानी पत में फैर तेरा गुंजे पूरा अंबाला रे, हो डाइट तेरी का राज बता, क्यों मारा खून उबाला रे, पानी पत में फैर तेरा गुंजे पूरा अंबाला रे, अरे तू के कैशियर ले रहा है शीसी कुर्सी करे फनकारी है ना, चलदा तेरा बिजनेस कोई ना जॉब तेरी सरकारी है ना, चलदा तेरा बिजनेस कोई ना जॉब तेरी। तो दोस्तों अब हम लोग बढ़िया एकदम पैराग्लाइडिंग करके वापस आ गए हैं, और अभी हम लोग कर रहे हैं हमारा लंच जो काफी बढ़िया है, आज हमारे लंच में काफी सारी वैरायटी रखी गई है।
दोस्तों देखिए चोर की दाढ़ी के अंदर तिनका, सर तिनका हटा दो सर। वाह माशाल्लाह। तो दोस्तों खाना खाने के बाद में हम लोग जो है एक और नए फोर्ट के लिए निकल गए। फोर्ट का नाम तो मुझे नहीं पता था और वहाँ पे मज़ा काफ़ी आया क्योंकि सारे दोस्त वहाँ पे मौजूद थे तो हमने काफ़ी फन किया, तो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों खाना खाने के बाद हम लोग आ गए। पहले मेरी आवाज़ को माइंड मत करिए, थोड़ा गला ख़राब हो रहा है। खाना खाने के बाद हम लोग किसी फोर्ट में आ गए। कौन सी फोर्ट है बताइए यार? जैसलमेर फोर्ट। जैसलमेर फोर्ट में आ गए हम लोग और आपको यहाँ का माहौल दिखाते हैं। कोई बढ़िया माहौल है, दर्शन देख सकते हैं। आलोच चश्मा पहन के बहुत डेमो मारने की कोशिश कर रहा है। पारी की तो बात ही अलग है, ये तो बिना डेमो मारे डेमो मार लेता है। क्या बात है, आए हाय क्या बात है। अबे मजाक कर रहा हूँ, खुश हो तो ज्यादा। बंद कर दे दरवाजा, बंद कर दे। अब तुम नहीं आ सकते भाई। ₹10 का है। अरे खोल दे, वो खुद ही खोल लिया। सच्चा मैं इधर नहीं आऊंगा, इधर नहीं आऊंगा, मैं तो उधर जाऊंगा। दर्शन अरे रुद्र, तुम दोनों का एक चॉइस है, यहाँ चलना है या वहाँ चलना है। इधर से घूम के पुलिस आ गई, लड़ाई हो गई पुलिस आ गई। मारो अरे भाई मेलविन प्लीज प्लीज भाई, तेरा हाथ पड़ता है यार चोट से। यार यार ये एक ही, ये एक इकलौता बंदा है जिसमें रोता रहता है भाई। सिर्फ इससे डरता हूं मैं पूरी स्कूल में। पर लग जाएगी भाई, बोली 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 बोली। ओ भाई स्मैश मार दे, स्मैश। चलो भाई प्लीज आ जाओ, आ जाओ यार, छिप जाती इसकी उंगलियां भाई। चलो हमारे अच्छे सर है, इन सर का नाम है अंबानी सर और ये हमें दो ग्लास जूस पिला रहे हैं। सर ने बहुत बड़ा काम कर दिया हम दोनों गरीबों को जूस पिला के। मोटा पैसा है सर के, मोटा पैसा। सर आपका मोटा पैसा दिखाओ सर। सर ओ माय गॉड, दोस्तों हमें दर्शन होने वाले मोटे पैसे के। कलम में पैसा है, कलम में। सर जो है ना वो करते हैं चेक, चेक पे साइन करके देंगे। हम ₹20 भी चेक से देते हैं। ये ₹20 जूस सर पिलाएंगे चेक से। जूस कितने का है? मौसम्बी का। मौसम्बी का नहीं यार, कोई बढ़िया जूस पिला यार, पाइनएप्पल का पिला यार। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग पी रहे हैं पाइनएप्पल का जूस। काफी बढ़िया खाना है यहाँ का, बस फर्क इतना है काफी ज्यादा महंगा है ये। टेस्ट करा दे भाई, टेस्ट करा दे, सारे दोस्त टेस्ट कर लो। खा जाओ खा जाओ, सब छीन लो इसे। एक बच्चे को जूस का पिलाया, यहाँ पे भीड़ लग चुकी है। हमारे अंबानी सर को घेर लिया गया है, अंबानी सर को 1000 बच्चों ने घेर लिया है और सारे के सारे बच्चे इनसे जूस की डिमांड कर रहे हैं। अंबानी सर अब क्या कहेंगे हम देखते हैं मीडिया के अंदर। देखो ऐसा है, हाँ सर कहना चाह रहे हैं, मैंने उंगली दी थी आपने मेरा हाथ कैसे पकड़ लिया। कोल्हापुरी चप्पल खरीदने दीदी के लिए पर्स ले रहा हूँ और इसकी प्राइस क्या है? 450 का है यार। मुझे ₹200 में जयपुर में दिला दूंगा, मेरी दुकान के पास आ जाना तू। सिस्टर वगैरह के लिए अगर एयरिंग्स वगैरह चाहिए ₹50, ₹50 रीजनेबल रेट। 30-30 में तो जयपुर में खरीदता हूँ भाई साहब। मोइन बहुत अच्छा लाया, मोइन सब खरीद ले आज, सब खरीद ले मेरे भाई, सब खरीद ले। वो चप्पल कितने की है? कुछ पास वाली, इसके बीच वाली। हाँ ये चप्पल 350 की नहीं है चप्पल भैया, अभी पेज दिखाऊंगा मेरी जूती। आप भी मंगवाना मेरे से माल, ₹200 में बेचता हूँ जूती कोई सी भी, जयपुर के अंदर होलसेल रेट आते हैं ₹150 की। ये चप्पल बताओ चप्पल कितने की दोगे लास्ट? लास्ट आप इतनी बात कर दी, 250। मोइन निकाल दो, निकाल दो, दे दो भाई को। 250 की है यार, ले ले यार, कहीं नहीं जाएगी भाई साहब। चेकिंग ले रहा हूँ, निरीक्षण कर रहा है। तेरे को पसंद आ रही तो ले ले। अयान तुझे क्या लग रहा है, बल्लू कैसी बार्गेनिंग करता है? अच्छी की तो बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। चलो फिर दे दो, ये भी दे दो। तो दोस्तों हमारे प्यारे शंकर भैया ने हमें इनवाइट किया है चाय पीने के लिए। तो शंकर भैया हमें आप चाय पिला रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो और बताइए कैसे जा रहा है आपका दिन? आनंद है भाई साहब के साथ, बहुत मजे आ रहे हैं मेरे को। तो भैया जी कितने साल से बना रहे हैं आप ये चाय? एकदम सीजन आता सीजन टाइम लगाते हैं। अच्छा अच्छा, 5 महीना लगाते हैं यार। तो इस चाय के टेस्ट में कुछ अलग सी बात लग रही है यार, ये फ्लेवर कहाँ से ला रहे हो आप? ये मसाला है, अदरक है, पूरे पका के एकदम रेडी रेड करके फिर चाय का मजा पीने का। बढ़िया, देखिए ये मसाला है, ये है वो मसाला जो डलता है चाय में, स्पेशल मसाला, वेरी स्पेशल यू नो। और ये चाय ऐसी है डालते ही खत्म, पीते ही खत्म। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भैया आपने हमें चाय पिलाया। आपको एक और बात बताना चाहूंगा, भैया हमें फ्री में चाय पिला रहे हैं। फ्री में पिला रहे हैं ना एकदम? नहीं नहीं नहीं, फ्री में नहीं पिला रहे, मजाक कर रहे हैं। एक बार चाय वाली वहां ला भैया, चाय चाय पी लो, गर्मा गर्म
आओ चाय पियो चाय। तो दोस्तों जैसा आपने देखा, हमने बहुत ही बढ़िया चाय पी और चाय पीने के बाद हम लोग वापस अपनी बस में बैठ चुके थे। और जब हमारी फिर नींद खुली तो उसके बाद में हम लोग सीधा स्कूल के बाहर थे, हमारा लगेज पैक कर रहे थे और अब हम लोग जा रहे थे हमारे घर। तो हमारी जर्नी यहीं ख़त्म होती है। हमें बहुत मज़ा आया, हमारी ट्रिप बहुत हमें अच्छी लगी और अब हम इस ट्रिप को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।